नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। आइए बात करते हैं निफ्टी नेक्स्ट वीक आपके 22 तारीख से लेकर 26 मई तक कहाँ कामकाज कर सकता है और हमने क्या डिस्कस किया था। तो फ्रेंड्स क्लियर है, मैंने कहा था कि अगर 18200 का लेवल ब्रेक होगा या इसके नीचे अगर आपको मार्केट क्लोजिंग देगा तो हम एक पुट की पोजिशन बनाएंगे 18265 के एसएल के साथ में, और नीचे में टारगेट दिया था 18050। ये एग्जैक्ट एक ट्रेड मिला और कॉल की पोजीशन करीबन मैंने बताई थी 18370 80 के ऊपर एक कॉल की पोजीशन, और ऊपर के टारगेट दिए थे 18490 और 18530। ये दो टारगेट दिए थे, पिछला वीडियो आपके पड़ा है, वहां जाके आप देख सकते हैं। वन डे के चार्ट में आपको मैं क्लियर दिखा देता हूं। तो इस पॉइंट के बाद में क्लोजिंग अगर जैसे ये देखोगे तो ये क्लोजिंग करीबन 18400 के आसपास की हुई थी। तो ये वीक कहाँ आ रहा है, करीबन 15 तारीख का है, इसके ऊपर क्लोज हुआ था करीबन 300-400 के आसपास। उसके बाद में मार्केट ने जो हाई पॉइंट उसी दिन ही बना दिया था 465 के आसपास, तो वहां पे एक डोजी फॉर्मेशन बनी है। डोजी के बाद में एक रेड कैंडल बन गई, इसका मतलब ये हो गया कि मार्केट आपके अब नेगेटिव हो चुका है। क्लियर है, सिंपल है, इतना सा ध्यान रखना है। और ये ही आपको मार्केट में, लाइव मार्केट में ट्रेड बनाएगा आपके, ये ही आपको लाइव मार्केट में ट्रेडिंग सिखाएगा। और नेक्स्ट करीबन 18050 के आसपास का जो लेवल दिया था, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस कैंडल की क्लोज, मतलब लास्ट ये वाला जो क्लोजिंग है, ये वाली क्लोजिंग है करीबन 17 तारीख की निफ्टी की 18200 के नीचे क्लोज हुआ है, ठीक है ना, करीबन 18180 के आसपास क्लोज हुआ है, 180-190 के आसपास। वहां से मार्केट ने आपको 110 दे दिया और आज यानी कि जो फ्राइडे क्लोज हुआ है वहां पे आपको 18160 दे दिया। तो बोथ ट्रेड आपको मिली है, दोनों ट्रेड के अंदर आपने अपर भी देखे हैं और लोअर भी देख लिए, दोनों आपका एनालिसिस के हिसाब से हो गया। अगर ऊपर के अंदर किसी कोई व्यक्ति के अगर लगता है कि ऐसे लेट हुए हैं तो नीचे की ट्रेड आपको कन्वर्ट करके आपने बढ़िया प्रॉफिट बनाया। तो अब देखते हैं नेक्स्ट वीक किस तरह से ट्रेड कर सकता है। तो यहाँ से एक ऊपर से मैंने एक रिजेक्शन कैंडल ये बनाई है, यहाँ से मार्केट एक रिजेक्शन खा सकता है। तो वीकली एनालिसिस पे यहाँ से ये टच हुआ है और एक नीचे की साइड से नीचे का जो पोर्शन है इस तरह से ये टच किया और ये वाला पोर्शन टच करके एक वीकली एक ट्रेंड लाइन बना रखी है। अब ट्रेंड लाइन में अगर आप देखोगे वीकली के अंदर ये अभी हाल फिलहाल इसके अंदर है, लेकिन अगर इसी को वन डे के अंदर आप कन्वर्ट करते हो तो ये देखो ये आज जो क्लोजिंग है एटलीस्ट आपकी नियरली 18220, एक इम्पोर्टेंट बताया था मैंने आपके लिए 18220 का लेवल, तो कल भी यानी कि मैंने डिस्कस किया था कि अगर ये निकलेगा तो हम फर्दर कॉल साइड में बैठेंगे। तो 18220 के ऊपर क्लोज नहीं हुआ मार्केट हाल फिलहाल के लिए, देखते हैं। बाकी हैमर बनी है, हैमर के बाद की जो कल की कैंडल है, जो मंडे की कैंडल रहेगी उस पे हमें जोर देना है। और वीकली एनालिसिस के अंदर अगर मैं लाइन चार्ट दिखाऊं आपको तो मार्केट जब भी अगर गिरेगा तो सीधा तो है नहीं कि ऐसे ही गिर गया, नीचे कुछ ऊपर कुछ बियरिश पैटर्न बनाएगा, तो हो सकता है एक अप मूवमेंट या यहाँ से इस तरह से एक एम पैटर्न फॉर्मेशन बना के देन फर्दर यानी कि आपका ये डाउनफॉल दिखा सकता है। तो लेवल्स कौन से होने चाहिए, किस तरह से इसमें ट्रेड करें, चलिए बात करते हैं आपके वीक किस तरह से हम ट्रेडिंग करें, कौन से लेवल पे हमारी एंट्री होनी चाहिए। तो डोजी फॉर्मेशन है और आज भी यानी कि निफ्टी के दोनों साइड के ट्रेड मैंने दिए, दोनों के साइड के ट्रेड में आपको मौका मिला है। नीचे में 18050 तक देखे गया हूँ, वहां पे हम खरीदेंगे और खरीदा जिसने आज, उसने 150-200 पॉइंट आई थिंक आपने यानी कि 11 बजे बाद में रेगुलर आपने उसमें प्रॉफिट बनाया। तो कल किस तरह, नेक्स्ट वीक में किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, तो नेक्स्ट वीक का जो इम्पोर्टेंट लेवल है अगेन आपका 18050 है। तो शॉर्ट की पोजीशन के लिए 18050 के नीचे ही कोई पुट की पोजीशन बनाएंगे, या फिर एक जैसे ये लाइन अगर हम खींचते हैं तो 18310 के ऊपर हम कोई कॉल की पोजीशन बनाएंगे, 18310
10 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस, ये जो फ्यूचर्स और आउट ऑफ द मनी के या नेक्स्ट एक्सपायरी के ट्रेड्स करते हैं उनके लिए एनालिसिस की जाती है। तो 18,310 के ऊपर हम कॉल की पोजीशन बनाएंगे, ऊपर में फर्स्ट टारगेट आपका आ जाएगा 18,465 और दूसरा टारगेट रहेगा 530 का। ये दो टारगेट के लिए कॉल की पोजीशन 18,300 के ऊपर अगर निकलेगा तो मार्केट 310 के ऊपर, एसएल फिर आपका आ जाएगा 18,270 का एसएल रह जाएगा, और ऊपर के टारगेट मैंने ये बता दिया। और पुट की पोजीशन डेफिनेटली यहीं पे बनेगी, 18,050 के नीचे ही कोई पुट की पोजीशन बनेगी। और ये 18,050 के नीचे जिस दिन क्लोज हुआ मार्केट, आपको मेरी मार्क कर लेना, मेरे वर्ड्स कहीं डायरी में लिख लेना कि मार्केट आपको कहाँ तक ले जाएगा, 17,950, 17,800, 17,750, ये तीन लेवल आपको एक ही वीक में फास्ट मूव दिखा देंगे। तो अब दो बार यहाँ पे भी रिटेस्ट कर लिया, यहाँ पे भी ये सेम 65 का पॉइंट था, 18,065 का लो था, इस डोजी को मार्केट ने क्लोज नहीं किया यहाँ पे, यानी कि लॉन्ग जिसने किए थे जिनका एसएल यहाँ था, तो एसएल मार्केट ने सबके खा लिए। अब यहाँ पे नेक्स्ट अगर ग्रीन कैंडल बनती है वीकली चार्ट पे, ये वीकली चार्ट पे आपके रेड कैंडल बनी है और डोजी बनी है, तो अब डोजी बने लेकिन इसके ऊपर मतलब 18,470 के ऊपर क्लोज होगी, तो डेफिनेटली आपको एक अपर मूव ऊपर की साइड देखने को मिलेगा। अदरवाइज नेगेटिव हुई अगर इसके नीचे क्लोज होती है, जो आज का लो है 18,065, 18,060, तो इसके नीचे जाएगा तो मार्केट नीचे की साइड आपको दिखा सकता है। तो डोजी क्या है? डोजी खुद एक यानी कि न्यूट्रल ट्रेड रहती है। ये देखो यहाँ पे जैसे ये डोजी बनी, ये डोजी के बाद में ये एक बढ़िया बुलिश कैंडल बन गई, यहाँ पे ये शूटिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार या बुलिश कैंडल के रूप में यहाँ पे आई, और यहाँ से मार्केट को आपको देख लो बेस बना के अब ऊपर की साइड निकल गया। तो अब क्या यहाँ पे भी इसी तरह से बेस बना के एक रेड कैंडल अगर इसने बना दी, तो डेफिनेटली ये यहाँ से एक रिवर्सल मार्केट का हो जाएगा वापस। तो 18,050 के नीचे पुट की पोजीशन लेके जाएंगे, और 18,050 के पास में आप जैसे आज खरीदा जरूरी नहीं वहां पे हम कल खरीदें, ठीक है? तो 18,200 भी अगर टूटता है तो भी हम पुट की पोजीशन, और अभी भी यानी कि कोई व्यक्ति अगर शॉर्ट करना चाहता है तो ऊपर के लेवल पे 18,300, 465 का ऐसा लगा के ऊपर की साइड से शॉर्ट कर सकता है जो फ्यूचर्स जिनमें ट्रेड करते हैं, या कॉल को आउट ऑफ आगे की जो कॉल है नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी की जो कॉल है उनको शॉर्ट कर सकता है इसके एसएल के साथ में, 18,465 के एसएल के साथ में इंडेक्स पे एसएल है ये, यहाँ से शॉर्ट कोई करना चाहे तो कर सकता है। तो इसके ऊपर अगर ग्रीन कैंडल बनी, नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनती है, तो डेफिनेटली आपके ऊपर की साइड का व्यू हो जाएगा, और अगर रेड कैंडल बनती है तो फिर मार्केट आपके 18,050 डेफिनेटली टूट जाएगा और फिर नीचे की साइड का व्यू हो जाएगा। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद।